बेटे और होल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में अपने कैथोलिक टीवी की सारी टीम का शुक्र अदा करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आज आप सबके सामने मुकद्दस तोमा रसूल, जो बड़े सगीर पाक व हिंद का मुरबी है, मिशनरी है, अजीम रसूल है, उसकी खिदमत के बारे में, उसकी बशारत के बारे में, उसकी मनादी और अजीम गवाही के बारे में आप सबको चंद एक मालूमात दे सकूं। आज मैं अपने इस बयान में ख़ास तौर पर मुकद्दस तोमा का तारफ जो है वो बयान करूंगा। इसके साथ साथ मुकद्दस तोमा की जो हिंदुस्तान में रवानगी हुई, वहाँ पर मुकद्दस तोमा का क़याम और उसकी मनादी, उसके बारे में बताऊँगा। और मेरा तीसरा नुक्ता होगा पाकिस्तान में जो टैक्सला का मकाम है, उसकी तारीख के बारे में आपको बताऊंगा। और वहाँ पर जो मुकद्दस तोमा रसूल की जो खिदमत है, बशारत और गवाही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे जो मुकद्दस तोमा रसूल खुदावन यीशु मसीह का एक अजीम रसूल है। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो पाक अंजील में जो रसूलों की फहरिस्त बयान की गई है, मुकद्दस तोमा का रसूल इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है। मुकद्दस तोमा रसूल जो है ये एक अजीम मिशनरी है, एक अजीम रसूल है, और आज उनकी वो अजीम खिदमत, उनकी वो अजीम कुर्बानी, अजीम मुनादी और गवाही, जो वो यीशु का लेकर पैगाम ख़ास पर यरूशलम से चले और इसके बाद हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान का सफ़र इख्तिताम करके फिर इस पाकिस्तान में टैक्सला के मकाम पर आए, आज हम उसकी अजीम खिदमत को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उसकी इस अजीम गवाही को याद भी करते हैं। और खुदा का ये अजीम मिशनरी आज मैं समझता हूँ जितने भी खादमीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गवाही, एक बहुत बड़ा नमूना है। मुकद्दस तोमा रसूल जो है, इसकी हर साल 3 जुलाई को पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है। तोमा इब्रानी ज़बान का लफज है जिसका मतलब है जजीरा, अरामी ज़बान में तवाम, यूनानी ज़बान में देदमस जिसका मतलब है जुड़वा। रवायत है कि जब मुकद्दस तोमा की पैदाइश हुई तो इसके साथ इसकी बहन लूसिया की भी पैदाइश हुई। मुकद्दस तोमा पेशा के लिहाज से तरखान थे और यीशु मसीह के अजीम शागिर्दों में इसका शुमार होता है। मुकद्दस तोमा रवायत के मुताबिक अंताकिया में पैदा हुए। इनका तल्लक बिन्यामीन के कबीला से था, मगर जब हम पाक अंजील का मुतालिया करते हैं तो पाक अंजील के मुताबिक मुकद्दस तोमा जो है ये बैतसदा का रहने वाला था। बैतसदा गलील की झील के किनारे से चंद फरलांग के फासले पर है। ये इलाका माही गिरों का इलाका कहलाता है। यीशु मसीह के जो 12 रसूल हैं, 12 शागिर्द हैं, उनमें से 4 रसूल यानी 4 शागिर्द जो हैं वो ऐसे हैं जिनका तलक जो है इसी इलाके से है, और इन्हीं 4ों में से एक रसूल जो है वो मुकद्दस तोमा रसूल है। मुकद्दस तोमा बुनियादी तौर पर एक नडर और जुरतमंद और अजीम शख्सियत के मालिक थे। मुकद्दस तोमा के बारे में जो हमें ज़्यादातर मालूमात मिलती हैं वो मुकद्दस यूहन्ना की पाक अंजील से मिलती हैं। मुकद्दस तोमा वो रसूल है जिसने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील को अगर आप पढ़ें उसके 14वें बाब को, तो ये वो अजीम रसूल है जिसने यीशु मसीह को बहुत बड़ा लकब दिया। इससे पहले यही लकब जो है यीशु मसीह को मुकद्दसा इलिसबात ने दिया, जब मुकद्दसा मरियम इलिसबात के घर आई तो उसने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई। और आज रसूलों में ये एक ऐसा रसूल है जिसने यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा लकब दिया, खताब दिया, वो क्या था कि तू मेरा खुदावन और तू मेरा क्या है, खुदा है। इसके साथ साथ खुदावन यीशु मसीह ने मुकद्दस तोमा पर एक और बड़ा राज जो है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में वाज़े किया, और वो क्या था कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मुकद्दस पतरस रसूल के बाद मुकद्दस तोमा रसूल दूसरा रसूल है जो यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा सवाल और जवाब करता है। ये मुकद्दस तोमा की ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो हर एक बात की तह तक पहुँचता है। बेशक उसकी एक इंसानी बड़ी कमज़ोरी ये थी कि ये तमाम रसूलों में
ये सबसे बड़ा शकी मिजाज रसूल था। ये किसी भी बात पर एकदम यकीन नहीं करता था, ये हर एक बात की पहले तहकीक करता था, वो उसकी तह तक पहुंचता था, और जब किसको उसकी तय का पता चल जाता तहकीक कर लेता था और ये फिर उस बात को तस्लीम करता है। इसी तरह जैसे इसने यसु से सवाल किया, वो राह कौन सी, हम क्यों का राह जाने, तो यसु मसीह ने इसके सवाल का जवाब ये दिया कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। ये यसु मसीह के अल्फाज सुनकर मुकद्दस तोमा का ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की झील का वो दूसरा वाक़या पढ़ें, जब यसु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सब रसूलों ने यकीन किया कि यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन ये वो वाहिद रसूल है कि ये अब भी यसु मसीह के जी उठने को भी शक की निगाह से देखता है। तो इसने अपने शक का इजहार इस तरह किया कि जब तक मैं उसके ज़ख्मों को, उस हालत को ना देख लूँ, मैं कभी भी उसके ज़िंदा होने का, जी उठने का यकीन नहीं करूँगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है कि जब यसु मसीह रसूलों पर ज़ाहर हुआ तो मुकद्दस तोमा रसूल भी इन रसूलों में मौजूद थे। तो यसु मसीह ने अपने ज़ाहर होने के वक्त, यसु मसीह के जो कुल 12 ज़हूर हैं जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं, जो जी उठने के बाद हुए, लेकिन इस ज़हूर में खुदावन यसु मसीह सबसे पहले तमाम रसूलों को छोड़कर मुकद्दस तोमा रसूल से हम कलाम होते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो जब मुकद्दस तोमा यसु मसीह को नूर की हालत में देखता है तो यसु मसीह उसको दावत देता है कि आ वो तजर्बा कर जो तूने कहा था। तो जब वो इस अमल को देखता है, यसु मसीह के ये अल्फाज सुनता है, तो उसका शक जो है वो यकीन में और ईमान की मजबूती में बदल जाता है। यहाँ से मुकद्दस तोमा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आता है, और वो इनकलाब क्या है कि बेशक वो यसु मसीह के साथ था, लेकिन जी उठने के बाद हकीकी तौर पर उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई, या रूहानियत मजबूत हुई उसकी, या उसका ईमान मजबूत हुआ, वो यसु मसीह का जी उठना, उस पर ज़ाहर होना बराह रास्त, मुकद्दस तोमा रसूल के साथ यसु मसीह की गुफ्तगू करना और मुकद्दस तोमा को दावत देना कि आए आज आप मुझे देखें और अपने कई अल्फाजों का मेरे जिस्म में तजर्बा करें। ये वो अल्फाज थे जिसने मुकद्दस तोमा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई, और इसी अल्फाजों के साथ मुकद्दस तोमा के अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ, एक नई रूहानियत आ गई, एक मजबूत ईमान पैदा हो गया, और यहीं से उसका ईमान जो है मजबूत होता है, और इसी ईमान को लेकर वो यसु का हकीकी गवाह बन जाता है। इसलिए मेरे जो मुकद्दस तोमा की ज़िंदगी में जो एक इंसानी बुनियादी कमज़ोरी जो शक था, लेकिन देखें यसु मसीह ने उसके शक को, उसकी कमज़ोरी को कैसे दूर किया। वो जब बराह रास्त यसु का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करता है, यसु उसके साथ गुफ्तगू करता है, और यही वो मौका है, यही वो अमल है जिससे मुकद्दस तोमा का ईमान जो है वो मजबूत होता है, और इसी ईमान के ज़रिए बाद में वो यसु का हकीकी गवाह बनता है। मेरे जो मेरा दूसरा बुनियादी नुक्ता है, मुकद्दस तोमा की खिदमत का हिंदुस्तान में तारीखी मंजर, मेरे जो तारीखी जो वाक़या जो है हिंदुस्तान का सारा, मुकद्दस तोमा जो है ये देखिए एक रवायत है कि जब यरूशलम में रसूल जो थे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो इस बात पर सोचा रहा कि कौन सा रसूल कहाँ जाएगा, किस सीरिया में जाकर अपनी खिदमत करेगा, यसु की गवाही देगा। तो रवायत ये बताती है कि जो ये कुरानदाज़ी डाली गई, तो मुकद्दस तोमा रसूल जो है इसके हिस्से में बरे सगीर पाको हिंद का हिस्सा आया, और जब यह हिस्सा इसको मिला, इसके नाम ये कुरान निकला, तो इसने बड़ी खुशी के साथ, भरपूर ईमानी जज्बे के साथ इस दावत को कबूल किया, और अपने बशारती सफ़र का आगाज जो है वो यरूशलम से शुरू करता है, और जब वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखता है, तो मेरे जो यहीं से उसने अपनी मनादी का आगाज़ किया, यसु के गवाह होने का सबूत दिया। मुकद्दस तोमा जो है वो जब हिंदुस्तान में आए, तो उसने हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में यसु की गवाही दी, और मुकद्दस तोमा की गवाही में या पाक अंजील के सुनाने में इतनी रूहानियत थी, इतनी बरकत थी, कि रवायत है कि हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हैं, जब उन्होंने मुकद्दस तोमा के इस गवाही से कलाम सुनने से यसु मसीह को कबूल किया,
तो हिंदुस्तान के इस ख़ास इलाके में बहुत सारे मसीह जो है अपने आप को आज भी मुकद्दस तोमा के मसीही कहते हैं। रवायत के मुताबिक मुकद्दस तोमा जो है सन 52 में हिंदुस्तान पहुंचा और वहां पर चूँकि ये इसका जो पेशा था वो एक बहुत अच्छा तरखान था, तो हिंदुस्तान में इसने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मुनादी और खिदमत के साथ साथ ये जो अपना दुनियावी काम था ये भी जारी रखा। जब इसके काम की शोहरत बहुत ज़्यादा फैल गई तो वहाँ के एक उस ज़माने का एक बहुत मशहूर बादशाह था राजा गंडाफोरस, उसने मुकद्दस तोमा को दावत दी और उसे कहा कि वो उसके लिए एक खूबसूरत और आलीशान महल जो है वो तामीर करे। राजा गंडाफोरस ने मुकद्दस तोमा को हर किस्म का सामान जो है वो मुहैया किया ताकि वो अच्छे से अच्छे मटेरियल के साथ उसका खूबसूरत महल जो है वो तैयार करें। लेकिन आप देखें कि मुकद्दस तोमा ने उसकी बात को ज़रूर माना, लेकिन जो सामान उसे महल तैयार करने के लिए दिया गया, मुकद्दस तोमा रसूल ने यह सारा सामान बेचकर गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और नदार लोगों में तकसीम कर दिया। अब जब ये सारा माल जो है ये सारे गरीब लोगों में ज़रूरतमंद लोगों में मुकद्दस तोमा ने तकसीम किया तो एक बड़ी खूबसूरत दुआ है जो हिंदुस्तान में इसी मकाम पर मुकद्दस तोमा रसूल ने की। मैं चाहूँगा कि आप ये दुआ जो है जो मुकद्दस तोमा ने उस वक्त ये पढ़ी, हम इस दुआ को आज गौर से सुने। जो मुकद्दस तोमा ने पढ़ी वो दुआ क्या थी? ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा ताकि मैं तुझ में हमेशा ज़िंदा रह सकूं, और तूने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं बेशुमार लोगों की खिदमत कर सकूं। ये वो अजीम दुआ है जो मुकद्दस तोमा रसूल ने हिंदुस्तान के मकाम पर की, और बहुत सारे लोगों को मुकद्दस तोमा ने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया और उसी के हाथों से बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में यीशु मसीह को कबूल किया। अब चंद लम्हात के बाद जब राजा गंडाफोरस को ये मालूम हुआ, किसी ने उसको बताया कि आपका महल जो है वो तैयार नहीं हो रहा, बल्कि जो सामान आपने मुकद्दस तोमा रसूल को दिया वो उसने बेचकर सारा जो है वो गरीबों, मस्कीनों, नदार और ज़रूरतमंद लोगों को वो पैसे जो हैं, चीज़ें जो हैं वो दे दी हैं। अब ये बादशाह जो है बड़े गुस्से में आता है और वो मुकद्दस तोमा को बुलाता है, तो उसने मुकद्दस तोमा से ये सवाल किया कि आपको जो मैंने काम दिया था मेरा महल किधर आपने तैयार किया? तो मुकद्दस तोमा ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब जो उसको दिया था वो जवाब बड़ा ज़बरदस्त है, और वो जवाब क्या था? मुकद्दस तोमा रसूल ने उसको कहा, मैंने जो आपके लिए महल तैयार किया है वो अभी आप नहीं देख सकते, एक दिन ज़रूर आएगा जब आप इस महल का नज़ारा करेंगे। जब इस बादशाह ने मुकद्दस तोमा रसूल का ये जवाब सुना तो उसने ये जवाब सुनकर मुकद्दस तोमा रसूल को कैद में डाल दिया। आप देखें जब मुकद्दस तोमा रसूल कैद में है और इसी दौरान राजा गंडाफोरस जो बादशाह है उसका भाई जाज जो है वो वफात पा जाता है, और मरने के बाद इस बादशाह के भाई जाज को फरिश्ते जो हैं वो जब लेकर जाते हैं, जब वो आसमान पर जाता है तो फरिश्ते उसको वो महल दिखाते हैं, और वो महल जब फरिश्ते दिखाते हैं तो फरिश्ते उसके भाई को बताते हैं कि ये वो महल है जो आपके भाई के लिए मुकद्दस तोमा जो है वो तैयार कर रहा था। और जब उसने ये खूबसूरत महल देखा तो उसने इसमें रहने के लिए ज़ाती तौर पर फरिश्तों से गुजारिश की, लेकिन फरिश्तों ने कहा कि आपके लिए इस महल में कोई भी जगह नहीं है। अब इसने जब ये देखा तो इसने थोड़ी सी मोहलत मांगी, फरिश्तों को कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं अपने भाई बादशाह गंडाफोरस को ये सारी बात बताऊँ। और हुआ ये कि जब वो जाज जो है अपने भाई राजा गंडाफोरस के पास आता है, उसके पास आता और उसको बताता है कि मैंने आसमान पर एक खूबसूरत महल देखा है जो तूने महल तैयार करने के लिए मुकद्दस तोमा को कहा था, वो महल आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इतना आलीशान
और इतना पुरकशिश और इतना खूबसूरत और उसमें हर तरफ खुशी ही खुशी है जो मुकद्दस तोमा ने तेरे लिए महल तैयार किया है। अब जब इसका भाई ये अल्फाज सुनता है तो वो ये अल्फाज सुनने के बाद मुकद्दस तोमा को कैद से रहाई देता है। मुकद्दस तोमा की ज़िंदगी में एक शख्स ने एक दफ़ा हिंदुस्तान में ही उससे ये सवाल किया कि आप बहुत बड़ा काम करते हैं तो आप अपने लिए इस दुनिया में कोई अपना खूबसूरत घर जो है लकड़ी का घर क्यों नहीं बनाते। तो रवायत है कि मुकद्दस तोमा ने उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं इस ज़मीन पर रहकर आसमान पर अपना एक घर जो है वो तैयार कर रहा हूँ। और उसके जहन में यीशु मसीह के वो अल्फाज थे जो यीशु मसीह ने कहे थे कि मैं आसमान पर जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मुकद्दस तोमा के ये अल्फाज सुनकर वो शख्स जो है वो ईमान में बड़ा मजबूत हुआ और वो इतना मुतासर हुआ कि उसने मुकद्दस तोमा का ये अल्फाज सुनकर यीशु मसीह को कबूल किया। मेरे जो रवायत है कि सन 72 में मुकद्दस तोमा रसूल को शहीद किया गया। जनूबी हिंदुस्तान में केराला की कलीसिया बताती है कि मुकद्दस तोमा ने चेन्नई इंडिया के नज़दीक मालाबार में वफात पाई और वहाँ दफन हुए। अबाए कलीसिया की तहरीरें वाजे करती हैं कि मुकद्दस तोमा को मकामी सिपाहियों के चार नेज़ों के जख्मों से शहीद होने का शरफ हासिल हुआ। मुकद्दस तोमा का बाज़िल्का जो उसके मज़ार पर वाक़िया है पहले 16वीं सदी में तामीर किया गया, फिर 19वीं सदी में इसको दोबारा तामीर किया गया। ये वो मुख्तसर तारीख है जो मैंने मुकद्दस तोमा रसूल की जो खिदमत है उसकी बशारत है जो उसने यरूशलेम से निकलकर हिंदुस्तान में इंडिया की सरजमीन पर अता की। और मुख्तसर तौर पर आपको यही बताऊंगा कि हिंदुस्तान में मुकद्दस तोमा रसूल वो पहला मिशनरी है, वो पहला रसूल है जिसने लोगों को यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया और यही वो अजीम मिशनरी और रसूल है जिसके वसीला से हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह को कबूल करते हैं और यीशु मसीह के पीछे आते हैं। मेरा तीसरा बुनियादी नुक्ता जो है वो है पाकिस्तान में टैक्सला का मकाम। मेरे जो मुकद्दस तोमा ने अपनी इस खिदमत के दौरान जब वो हिंदुस्तान में मनादी करता था, यीशु की गवाही देता था और वहाँ से ही ये एक रवायत हमें बताती है कि ये जो लाहौर शहर से जीटी रोड गुजरता है, मुकद्दस तोमा ने हिंदुस्तान से अपना सफ़र जो है ये शुरू किया और रवायत है कि एक गढ़ पर बैठकर वो इसी जीटी रोड से गुजरता हुआ लाहौर से गुजरा, गुजरांवाला गया और इसी तरह इसी जीटी रोड से वो चलता चलता जो है वो टैक्सला के मुकाम पर पहुंचा। टैक्सला का कदीम रवायत है कि ये 6000 साल पुराना शहर है जो रावलपिंडी से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासला पर है। टैक्सला की तारीख जो है ये बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि इस शहर को हिंदुस्तान के एक राजा के बेटे टैकश ने आबाद किया था, इसलिए इसको टैक्सला कहते हैं। टैक्सला शहर को मुख्तलिफ अदवार में कई अकवाम ने इसको अपना सदर मकाम भी बनाया। मशहूर असारे कदीमा सर जॉन मार्शल ने अपनी तहकीक में बयान किया है यहाँ से कई कुतबे और सिक्के मिले हैं। कदीम मसीह दौर की सलीब भी मिली है जो आज मौजूदा दौर में लाहौर में चर्च ऑफ पाकिस्तान के कैथेड्रल में मौजूद है। टैक्सला की तारीख से ये पता चलता है कि यहाँ बहुत से मजाहब कायम थे जिनमें जैन मत, बुद्ध मत, हिंदू मत, सिख मत। रवायत है कि मुकद्दस तोमा जो है इसी दौरान यहाँ तशरीफ लाए जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग, मुख्तलिफ ज़हनियत के रखने वाले लोग जो थे इस आबादी में शामिल थे। मुकद्दस तोमा जो था जब यहाँ आया तो यहाँ पर मुकद्दस तोमा का जो पहली मुलाकात जो है वो गंडोफ रश बादशाह से हुई और इसी के अहद में मुकद्दस तोमा रसूल जो है वो टैक्सला में तशरीफ लाए। मुकद्दस तोमा को इसी महल में ठहरने का शरफ भी हासिल हुआ। मुकद्दस तोमा ने इस दौरान एक बहुत बड़ा
मुआवजा किया। तारीख हमें बताती है कि मुकद्दस तोमर रसूल ने, ये जो उस वक्त का टैक्सला का बादशाह था गंडोफ रफ बादशाह, इसके भाई को मुकद्दस तोमर रसूल ने ज़िंदा किया। और जब इस बादशाह ने देखा कि मुकद्दस तोमर रसूल ने उसके भाई को ज़िंदा किया है, तो इस बादशाह ने भी इस मुआवजे की बदौलत, इस कुव्वत और ताकत की बदौलत, जो ईमान की ताकत मुकद्दस तोमर रसूल की ज़िंदगी में इस बादशाह को नज़र आई, उसने भी यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया। मुकद्दस तोमर ने हिंदुस्तान की तरह टैक्सला में भी बहुत सारे लोगों को मसीहत में शामिल किया। और यही वो वजह है कि ये दो एरिए जो हैं, दो हिस्से जो हैं, इन्हीं की खिदमत की वजह से मुकद्दस तोमर रसूल को बरे सगीर पाक को हिंद का मुरब्बी कहा जाता है, मिशनरी कहा जाता है, रसूल कहा जाता है। रसूलों में ये पहला रसूल मुकद्दस तोमर रसूल है जो सब रसूलों से ज़्यादा सफ़र करता है और मुश्किलात और कठिन का सामना करता है। मुख्तलिफ सकाफतों का सबसे ज़्यादा मुकाबला और सामना जो है, या मुख्तलिफ मज़हब की सकाफतों का मुकाबला जो है, वो मुकद्दस तोमर रसूल ही अपनी खिदमत और बशारत के दरमियान करता है। मुकद्दस तोमर रसूल जब टैक्सला में आए तो वहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर बहुत सारी सकाफतें थीं, बहुत सारे मज़हब का वजूद था, लेकिन इसके बावजूद मुकद्दस तोमर रसूल जो है उसने हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान में भी टैक्सला के मकाम पर उसी ईमानी जज्बे के साथ, उसी रसूली और मिशनरी जज्बे के साथ यसु की गवाही दी, यसु की बशारत दी, पाक अंजील का प्रचार किया। और मेरे अज़ीज़ो, बहुत सारे लोग इस मकाम पर भी मुकद्दस तोमर रसूल की बदौलत बहुत सारे लोगों ने यसु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। मुकद्दस तोमर रसूल ने अपनी खिदमत के दौरान हिंदुस्तान में वापस जाने से पहले, रवायत है कि यहाँ बुज़ुर्ग जान थापस को पहला बिशप मुकर्रर किया, क्योंकि मुकद्दस तोमर रसूल अभी वापस हिंदुस्तान जाने वाले थे और वो चाहते थे कि वो अपनी जगह एक ऐसे अजीम और अच्छे और नेक रास्तबार और दुआगो इंसान को कलीसिया की खिदमत के लिए मुकर्रर करें, ताकि मेरे बाद यसु के मिशन को टैक्सला के मुकाम पर इस कलीसिया में जारी और सारी रखें। सो इस तरह इस मुकाम पर ये जो अजीम शख्स चुना गया, बुज़ुर्ग जान थापा जो है, इसने फिर मुकद्दस तोमर जब हिंदुस्तान में वापस चले गए, तो इन्होंने उसी जज्बे के साथ, उसी मिशन के साथ, उसी ईमान की मजबूती के साथ मुकद्दस तोमर रसूल के मिशन को जारी रखा और बहुत सारे लोग जो हैं ईमान में साबित कदम रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा वाकया हुआ मुकद्दस तोमर रसूल के हिंदुस्तान में जाने के बाद। जो गंडोफ रफ बादशाह है, रश बादशाह है, ये फौत हो गया, और इसके फौत होने के बाद अदकश ख़ानदान ने टैक्सला पर कब्ज़ा कर लिया। और इस ख़ानदान का जो दौर है वो इतना अच्छा दौर नहीं है, ये वो दौर है जिसको जुल्म का दौर कहते हैं। और इन्होंने तमाम मज़हब के लोगों को कत्ल किया, ख़ास तौर पर टैक्सला की कलीसिया को शहीद कर दिया। रवायत है कि मसीह शहीदों के खून से टैक्सला की गलियां जो हैं वो सुरख हो गई, और कुछ लोग यहाँ से हिजरत करके दूसरी मुकाम पर चले गए। लेकिन इसके बावजूद टैक्सला के मुकाम पर इस जालम बादशाह के सामने, इस जालम ख़ानदान के सामने मसीहों ने अपना सर नहीं झुकाया, मसीहों ने इसके साथ किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुकद्दस तोमर रसूल ने जो इनकी ज़िंदगी में ईमान का बीज बोया, कलाम का बीज बोया, यसु के मिशन का बीज बोया, इन्होंने अपनी जानों का नजराना कबूल किया, लेकिन वो अपने मिशन से नहीं हटे। मुकद्दस तोमर रसूल और इस बुज़ुर्ग थापस के बाद ये अजीम लोग हैं कि जिन्होंने यसु के हकीकी गवाह होने का सबूत दिया। और इसलिए रवायत बताती है कि टैक्सला की ये जो गलियाँ, ये जो मकाम हैं, आज भी मेरे अजीज़ों, वो शहीदों का खून जो उस जगह पर यसु के नाम पर बहाया गया, उनके खून की वजह से आज भी वहाँ मसीही ईमान जो है ज़िंदा है। मुझे ज़ाती तौर पर टैक्सला उसी मकाम पर, उसी जगह पर जाने का तजर्बा हुआ जहाँ मुकद्दस तोमर रसूल ने आकर के आम किया। और मेरा ये ज़ाती तजर्बा ये है कि मैंने सख्त गर्मी के मौसम में भी वहाँ जून के महीने में खड़े होकर उस मकाम पर जहाँ मुकद्दस
तोमर रसूल ठहरे थे, मैंने दुआ की और वो टाली आज भी उसी सूरत में कायम है, वो जगह आज भी उसी जगह पर कायम है। और मैंने जब वहाँ खड़े होकर हाथ जोड़ कर घुटने टेक कर वहाँ दुआ की तो मेरा अपना ईमान बड़ा मजबूत हुआ और मैं रूहानी तौर पर बड़ा मजबूत हुआ और मैंने शख्सी तौर पर वहाँ दुआ की कि ऐ खुदावंद मेरे ईमान को भी मुकद्दस तोमा के रसूल जैसा ईमान मजबूत कर, मेरे अंदर भी जो कमज़ोरियाँ हैं खुदावंद तो मेरी भी शख्सी कमज़ोरियों को दूर कर। और मैं ये गवाही देता हूँ कि वहाँ जो मुझे रूहानी तजर्बा मिला, वहाँ जो मुझे ईमान की मजबूती मिली, खिदमत और बुलाहट में मजबूती मिली और वहाँ जो मेरे बरकत का तजर्बा हुआ, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत और मेरी सारी बशारत में एक अजीम तजर्बा है, एक अजीम गवाही है जो मैंने खुद वहाँ जाकर ज़ियारत की। आज मैं तमाम मसीहों को ये दावा देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़िंदगी में जब भी आपको मौका मिले, ये एक बड़ी कौमी ज़ियारत गाह है और हर साल आप देखें 3 जुलाई को पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ टैक्सला के मुकाम पर जाते हैं, उस जगह का भूसा लेते हैं, दुआ करते हैं, वहाँ पर पाक मास की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, लोगों को बरकत दी जाती है। और मैं इस मुकाम पर कैथलिक टीवी की वसात से आप सबको ये दावा देता हूँ कि आपको ज़िंदगी में जब भी मौका मिले, कम अज़ कम अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को लेकर ऐसी जगह पर ज़रूर जाएँ, उनको अपनी रवायात, अपने ईमान और उन अजीम रसूलों की खिदमत, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी के बारे में ज़रूर बताएं कि ये वो हमारे अजीम मिशनरी हैं, ये वो हमारे अजीम रसूल हैं जिनकी वजह से आज हम मसीही हैं, उनकी कुर्बानियों, उनकी शहादतों की वजह से आज हम ईमान में मजबूत हैं। और मैं अपील भी करता हूं कि ज़रूर आप ज़िंदगी में जब भी आपको साल में मौका मिले, ज़रूर वहाँ की ज़ियारत करें और वहाँ दुआ करके आएँ। और मेरा ये ईमान है कि जो भी वहाँ जाएगा वो अपने अंदर एक रूहानी तब्दीली महसूस करेगा, अपने अंदर एक बहुत बड़ी बरकत पाएगा। हरफे आखिर में मैं यही कहूँगा कि मुकद्दस तोमा रसूल यसु मसीह का हकीकी गवाह है, मुकद्दस तोमा रसूल यसु मसीह के हुक्म की तामील करने वाला है। आपको याद होगा यसु मसीह ने पाक अंजील में कहा था कि पास तुम सारी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मुकद्दस तोमा रसूल एक अजीम मिशनरी, एक अजीम रसूल और सुली जज्बे से सरशार रसूल था। पूरी दुनिया में और इंडिया और पाकिस्तान में हर साल मुकद्दस तोमा के रसूल की ईद जो है वो 3 जुलाई को मनाई जाती है और ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में लोग मुकद्दस तोमा की ज़्यारत के लिए जाते हैं और लोग इस अजीम मिशनरी और रसूल की खिदमत को खराज तहसीन पेश करके बरकत और ईमान की मजबूती पाते हैं। आइए आज मुकद्दस तोमा की खिदमत को और रसूली जज्बे को सामने रखते हुए हम भी इसी ईमान और जज्बे के साथ अपनी खिदमत को जारी रखें और मुकद्दस तोमा की तरह बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही में शामिल करने का वसीला बन सकें। मुकद्दस तोमा, आपकी अजीम खिदमत और आपकी अजीम शहादत को सलाम, बाप और बेटे और रूह अल-कुदस के नाम से आमीन।